झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 11 नवजात जिंदा जल गए, करीब 15 बुरी तरह झुलस गए, उनका इलाज चल रहा है। इस घटना ने हम सबको झकझोर दिया है। घटना के बाद अस्पतालों में आग से बचाव के इंतजाम और मानकों का पालन सवालों के घेरे में है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ 29 सरकारी अस्पतालों के पास फायर एनओसी ही नहीं है। आइए विस्तार से बात करते हैं उन सभी अस्पतालों के बारे में जिनके पास फायर एनओसी नहीं है, साथ ही उन अस्पतालों के बारे में भी जिनमें पहले बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इसके बाद भी जिम्मेदार नहीं चेते। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ में जिन अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं है उस कतार में कई बड़े अस्पताल भी शुमार हैं। इनमें सिविल अस्पताल, डफरिन, झलकारीबाई, बीआरडी, रानी लक्ष्मीबाई, जानकीपुरम ट्रामा सेंटर, ठाकुरगंज संयुक्त चिकित्सालय शामिल है। यही नहीं, इन अस्पतालों में स्मोक अलार्म तक बंद पड़े हैं, वार्डों में अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हुए हैं। यही नहीं, इन अस्पतालों के बाहर जाम जैसे हालात रहते हैं जो किसी भी हादसे की भयावहता को बढ़ा सकते हैं। सीएमओ के अधीन 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें अलीगंज, रेड क्रॉस, इंदिरा नगर, आलमबाग, चंदर नगर, गोसाईगंज, कुडम्बा, बेहटा, हजरतगंज, एनके रोड, सिल्वर जुबली, मोहनलालगंज, इटौंजा, बीकेटी, चिन्हट, ऐसबाग, टुड़ियागंज, माल, मलिहाबाद, काकोरी, नगराम व अन्य सीएससी शामिल हैं। इनमें से किसी के पास भी फायर एनओसी नहीं है। सरकारी के साथ ही अगर निजी अस्पतालों को जोड़ दिया जाए तो बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे अस्पतालों की संख्या 650 तक पहुंच जाती है। इनमें महज 301 अस्पतालों के पास फायर एनओसी है, यानी करीब 650 अस्पताल बिना एनओसी के संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग छोटे निजी अस्पतालों के शपथ पत्र को उनका पंजीकरण कर लेता है। निजी केंद्रों में अग्निशामक यंत्र दिखाकर खाना पूर्ति की जाती है। अहम बात यह है कि निजी अस्पतालों में प्रवेश निकास का गेट भी एक ही है, इसके बाद भी उनके संचालन पर विभाग मुहर लगा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि 50 बेड से अधिक के अस्पतालों के लिए फायर एनओसी जरूरी नहीं है, इससे कम बेड वाले अस्पतालों के लिए एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। मानक पूरी करने के नाम पर आग बुझाने में काम आने वाले सिलेंडर टांग कर खाना पूर्ति कर लेते हैं। ज्यादातर निजी अस्पतालों में स्मोक अलार्म सिस्टम तक नहीं है। ये निजी अस्पताल शपथ पत्र देकर पंजीकरण करा लेते हैं। शपथ पत्र में हवाला देते हैं कि अगर अस्पताल में आग लगने से जनहानि हुई तो इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आइए अब समझते हैं राजधानी में घटित घटनाओं के बारे में जिनके बाद भी जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुली। साल था 2023 और तारीख थी 18 दिसंबर। पीजीआई के ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, 2 मरीजों की मौत हो गई। इससे पीछे जाएं तो 8 अप्रैल 2020 को केजीएमयू ट्रामा सेंटर में भी आग लगी थी। पिछले 2 साल में लोहिया संस्थान केजीएमयू पीजीआई में आग लगने की छोटी छोटी कम से कम 10 घटनाएं हो चुकी हैं, पर आज भी 29 सरकारी अस्पताल बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे हैं। 2018 में 19 मई को ग्लोब हॉस्पिटल निराला नगर में आग की घटना हुई थी। 2020 में 8 अप्रैल को केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में आग लगी थी, गनीमत रही जनहानि नहीं हुई। 2023 में 3 बड़ी घटनाएं हुई, 9 जुलाई को आलमबाग के सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में आग लगी, 29 सितंबर को रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की इमरजेंसी में आग लगी, 18 दिसंबर को आग लगने से पीजीआई में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई थी। 2024 में भी अब तक 3 घटनाएं हो चुकी हैं। 2 जनवरी सिविल अस्पताल की पैथोलॉजी में आग लग गई थी, 23 मई को गोमती नगर के ऋषि हॉस्पिटल में आग की घटना हुई, वहीं 2 नवंबर को क्वीन मेरी अस्पताल में आग लगी। इसी दिन गोमती नगर में डॉक्टर के क्लिनिक में भी आग लगी थी। इससे साफ है कि घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार नहीं चेते। वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।